आपस में हमारे क्षेत्रवासियों को लड़ाने की जरूरत न करें। उमेश चैलेंज दे रहा हूँ आपकी तरफ से, मैं सचेत करना चाहता हूँ, जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे तुम्हारे कार्यकर्ता हैं चाहे हमारे हैं, आपस में सब क्षेत्रवासी हैं, हमें लड़वाओ मत। अंग्रेजों की नीति मत लाओ कि बांटो और राज करो, पानी में आग लगा के जमा लो दूर खड़ी। यहाँ के क्षेत्रवासियों को लड़ाइए मत। आपके बदन में खुजली है तो हिसाब किताब मेरे से करिए, मैं जिम्मेदार हूँ। आप विधायक हैं, मैं 4 बार पहले विधायक रह चुका हूँ। आम जनता को मत पीसिए चक्की के पाट में, खुद आइए अगर आपकी औकात हिम्मत आपके अंदर है। हम जानते नहीं जी कौन है, हमें पता नहीं, ना ना हमें नहीं पता जी। उसने आपका नाम लिया है क्या नहीं, हमने कुछ नहीं कहा जी, हम नहीं जानते, हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए सामाजिक कार्यक्रम अच्छी बात है करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए धनराशि कहाँ से आ रही है ये भी तो देखो, अपने जेब का पैसा नहीं लगा रहे हैं। देखिए बड़े हर्ष का विषय है, आज ग्राम खटका के हमारे सीनियर कार्यकर्ता हाजी सुल्तान साहब हैं, उनके पुत्र हैं जावेद परवेज के छोटे भाई, उनका उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और पूरे गांव में और आसपास के में बड़ा खुशी का माहौल है और युवकों को एक प्रेरणा मिली है कि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के युवा भी केंद्रित हों और सरकारी सेवाओं में जाएं। मैं जावेद को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहूँगा और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और हमारे युवाओं के लिए जो नए दरवाजे खुले हैं ये बड़े हर्ष की बात। कुंवर पड़ा सिंह चैंपियन, कुंवर पड़ा सिंह चैंपियन, भारतीय जनता पार्टी। सर पुलिस की भर्ती हो, वन विभाग की भर्ती हो या पटवारी भर्ती हो, लगातार यहाँ पर भर्ती में धांधली पाई गई है, उसको लेकर कानून बनाया गया है। देखिए पहले पाई गई थी, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी माने मुख्यमंत्री जी, जो धाकड़ धामी जी हैं, इन्होंने नकल विरोधी कानून ऐसा बना दिया कि पैर कांपते नकल कराने वालों के, कोई नहीं करा पाएगा, सब ईमानदारी से सिलेक्ट हो रहे हैं। सर अगर बात की जाए नितिन कट्टा नाम का एक युवक है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था वीडियो, उसने साफ तौर पे आपका भी नाम लिया है कि जिस तरह से वो क्या कहा है मैंने सुना नहीं, कौन है नितिन? अब किसी की जातीय तौर पे क्या राय बात अलग है, हमारा कोई मतलब नहीं, मैंने तो नाम भी आपसे सुना है। सोनू मीरकपुर और आपका नाम लिया है सर उन्होंने? देखिए अब दुनिया है, कोई कुछ भी बोल सकता है, जबान पे रोक नहीं है, लेकिन हम उसको ना जानते हैं ना हमने कुछ कहा है, हमारा कोई मतलब नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे सर दैनिक गुड़ की ओर? देखिए आप लोग समाज की बहबूदगी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात पत्रकार वर्ग हमारा समर्पित है, चाहे धूप निकल रही हो, बारिश हो रही हो, सर्दी हो रही हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है देख करके। आप ऐसे ही सेवा करें और समाज के लिए एक आईने का काम करें। सर शाम को आपका अल्पसंख्यक कार्यक्रम भी बताया जा रहा जी, लंढौरा में साहब अल्पसंख्यक वर्ग मेरा सम्मान कर रहा है, आपको आप सब इन्वाइटेड हैं, आप आइए। देखिए विधानसभा में बड़ा दुर्भाग्य है, 1.25 साल हो गया नए विधायक को लेकिन कोई काम नहीं हुआ, बड़ा दुख होता है। हम जब पहली बार विधायक बने थे हमने 100 करोड़ से ऊपर के काम करा दिए थे और खाली सड़क खड़ंजे पुलिया नहीं, अवस्थापना विकास। तो मैं तो चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि अपना काम करें जिम्मेवारी के साथ, जैसे ब्लॉक प्रमुख जो बने हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, ग्राम प्रधान बने, हर जगह काम हो रहा है, लेकिन खानपुर विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, तो बड़े दुख की बात है। आज हम जाते हैं कई कई जगह सुदूर ग्रामीण अंचलों में, मैं कल गया था, लोग कह रहे थे साहब मैं तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, हमारी वोट ले ली, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, बड़े दुख की बात है और हम तो चाहेंगे आप दोबारा विधायक बने। मैंने कहा भाई आपकी ज़ुबान मुबारक हो। सर कल रुड़की के नेशनल में जो खानपुर द्वारा यहाँ पर निर्देशन हुआ अगर वहाँ के लोग बारे विकास तो करवा रहे हैं, इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम भी विधायक करवा रहे हैं। देखिए सामाजिक कार्यक्रम अच्छी बात है करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए धनराशि कहाँ से आ रही है ये भी तो देखो, अपने जेब का पैसा नहीं लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ से जा करके पैसा लाया जा रहा है, बम्बई के एक्टरों से, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से, वो तमाम चीज़ें हैं मैं कहना नहीं चाहता हूँ। देखिए जब तक विकास नहीं करेंगे जनता का फायदा कैसे होगा, डिग्री कॉलेज खुलता है गरीब बच्चों के गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलती है, राजकीय डिग्री कॉलेज खुलते हैं, राजकीय स्कूल खुलते हैं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, बहुत ज़रूरी था। अब हमने जो देखा, मैंने कहा भाई 4 बार लगातार विधायक हम बन गए, अब सांसद के लिए हमें ट्राई करना चाहिए, हालांकि 2009 में मैंने मांगा था, लेकिन हमारा उत्तराखंड से टिकट मिलना मुश्किल है और दूसरा हमारे सिटिंग MP हैं हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के, तो यहाँ मांगना व्यर्थ है, इसलिए हमने सहारनपुर का रुख किया कि वहाँ BJP हार चुकी है, बसपा के MP हैं और वहाँ हमें मेहनत करके सेवा करने का लक्ष्य हासिल होगा। इसलिए तो बोल रहे थे कि भाई इससे पहले जो विधायक कुंवर पंडित सिंह रहे हैं वहाँ पर उन्होंने इस तरह के जो सामाजिक कार्य वहाँ नहीं कराए, कन्याओं के विवाह या इस तरह का, कौन कहता है क्या कन्या के भाई सामाजिक कार्य है? डिग्री कॉलेज खोलना, ITI खोलना, कन्या डिग्री कॉलेज उत्तराखंड का पहला खोलना, बिजली घर बनाना और वहाँ पर अस्पताल खुलवाना, ये असामाजिक कार्य है क्या? जब करने की औकात नहीं है तो खाली ड्रामा करके शादियों का कोई सामाजिक कार्य नहीं होता, 10 लड़के की शादी करा दी, कुछ नहीं मानता मैं इसको, और मुझे कह रहे हो मैं कल करवा दूंगा, अरे कुछ ज़मीन पे करके दिखाओ, सरकार के सामने गिड़गिड़ाओ, मेहनत करो, खून पसीना खर्च करो जो नहीं करते हो, लोगों को लड़ा रहे हो, आपस में हमारे क्षेत्रवासियों को लड़ाने की ज़रूरत न करें। उमेश चैलेंज दे रहा हूँ आपकी तरफ से, मैं सचेत करना चाहता हूँ,
जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे हैं, आपस में सब क्षेत्रवासी हैं। हमें लड़वाओ मत, अंग्रेजों की नीति मत लाओ कि बांटो और राज करो, पानी में आग लगा के जमा लो दूर खड़ी। यहाँ के क्षेत्रवासियों को लड़ाइए मत। आपके बदन में खुजली है तो हिसाब किताब मेरे से करिए, मैं जिम्मेदार हूँ। आप विधायक हैं, मैं 4 बार पहले विधायक रह चुका हूँ। आम जनता को मत पीसिए चक्की के पाट में, खुद आइए अगर आपकी औकात हिम्मत आपके अंदर है, जनता को मत भड़काइए। हाँ बिल्कुल, मैं कायम हूँ। उमेश ने ये कहा था पत्रकार वार्ता में पिछले महीने 27 अप्रैल को कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में मेरे खिलाफ कहीं भी बलात्कार का अपराध का मुकदमे का या कोई अंश पेंडिंग होगा मैं रिजाइन दे दूंगा। वो बार बार कहता है कि मैंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से अपने हक में करा लिया। अरे वो तो बीत गई भाई, वो तो बात गई। तुमने लोअर कोर्ट से अपने हक में करा लिया, लेकिन हाई कोर्ट में पेंडिंग है दिल्ली की। कैसे तुम घुमा सकते हो लोगों को? आम पत्रकार को आप झांसा दे सकते हैं, आम आदमी को दे सकते हैं, हमें नहीं दे सकते। हमें केस का पूरा डिटेल पता है। 16 फरवरी 2018 को आपके खिलाफ बलात्कार की FIR धारा 376 धारा 506 में थाना तुगलक रोड नई दिल्ली में दर्ज होती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से अपने हक में आप करवा लेते हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट में केस है। जब हाई कोर्ट में केस है तो आपने कैसे कह दिया कि केस नहीं है? 11 जुलाई 2023 लगी हुई है, आप रिजाइन दीजिए। आप झूठे से दो गए, अगर रिजाइन नहीं देते हैं आप तो आप कायर हैं। हाँ जी, आज माननीय चैंपियन साहब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब हमारे हौसला अफजाई के लिए आए हैं, और गर्मी पड़ रही है, हमने थोड़ा जलपान की व्यवस्था की हुई है और थोड़ा गर्मी से राहत मिले। और ये जो बाईपास है, दूर दराज के हैं लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो उन्हें थोड़ा हमारे खिदमत का मौका मिले, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम रखा है। आज बड़े ही खुशी का दिन है, हमारे प्यारे महबूब माननीय कुंवर प्रणव सिंह यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम इनका तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर मैं आपको बतला दूं, हाजी सुल्तान जी का जो बेटा आज उत्तराखंड पुलिस में चयन हुआ है, उनका बड़े ही खुशी की बात है, और पूरा खानपुर क्षेत्र अपने आप में गौरव महसूस कर रहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना यह है कि हर वर्ष हमारे बच्चे इसी तरह तरक्की करते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें।